क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है? कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती है, एक समय भोजन करती है। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धार्थी सिद्ध करने मनोरथी पूर्णिमा कहते मनोरथी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लूंगी। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार कर रहे हैं अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह, पर भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी हो। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, कि मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है, तो कहा ये चंद्र है। व्यक्ति राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लगता है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़।